आज राम का किरदार निभाएंगे भीम, और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे। कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे दो वरदान? आज मैं चाहती हूँ वो दो वरदान। पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। भरत को मिलेगा अयोध्या का राजा बनने का सम्मान। और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये असंभव है। आपको अपने वचन का पालन करना होगा। वचन देता हूँ कैकेयी, तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा होगा, राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ वनवास स्वामी। चलो फिर। छोड़ कर राज्य त्याग कर सिंहासन निकल पड़े लक्ष्मण और सीता के संग। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया। धीरे धीरे समय बीता, जंगल अयोध्या से भी अच्छा लगने लगा। रावण की बहन शूर्पणखा, जो थी राक्षस कुल की राजकुमारी, राम के रूप को देख हुई मोहित, बदल के अपना भेष बनी सुंदर सी नारी। मैं हूँ लंका नरेश, रावण की बहन शूर्पणखा। राजकुमार, करो मुझसे विवाह। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता हूँ, पर आप मेरे भाई लक्ष्मण को ये प्रस्ताव दे सकती हैं? तुम भले ही एक सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर आई हो, परंतु तुम हो तो एक राक्षस ही। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। तुम्हें देखने के बाद मैं समझ गई कि राम मुझे क्यों नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, तो राम को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। जाने दे माता सीता को इसी क्षण, वरना तुझ पर मैं करूंगा अपने बाण से वार। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फिर क्या था, लक्ष्मण ने अपने बाण उठाए और शूर्पणखा पर दिए चलाए। शूर्पणखा अपने नाक और कान से धो बैठी हाथ, चिल्ला चिल्ला कर दौड़ी अपने भाई के पास। भैया भैया भैया। बहन शूर्पणखा, अपने रोने का कारण बताओ। किसने तुम्हारा ये हाल किया, उसका जरा नाम तो बताओ। भाई कर, मेरी इस हालत के लक्ष्मण है कारण, उसको हर हालत में मिलना चाहिए दंड। तुम में से लक्ष्मण कौन है? ये लक्ष्मण है और मैं इसका बड़ा भाई राम। तुम्हारी बहन ने मेरी पत्नी सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की और मेरे भाई ने उसकी रक्षा की। आक्रमण! हर ने अपनी तलवार निकाली और कूदा लक्ष्मण पर। इधर खर की सेना ने राम को रखा उनकी जगह पर रोक कर। देख कर शूर्पणखा की हरकत, राम को आया गुस्सा। पूरी की पूरी खर की सेना हवा में उड़ गई। राक्षसी शूर्पणखा ने सीता पर
चलाए जो हथियार, प्रभु राम ने बाण चलाकर कर दिया हथियार को आर पार। ये देख खर को भी तेज क्रोध आया, अपनी तलवार को उसने लक्ष्मण की ओर बढ़ाया। राम ने एक और तीर कमान पर चढ़ाया, तीर जा घुसा खर की धोती में, खर जाकर पेड़ से टकराया। वो पेड़ गिरा खर के ऊपर, शूर्पणखा और बाकी राक्षस आगे तुम दबा कर। देख लूंगी सीता तुम्हें, राम मैं वापस लौट के आऊंगी। तो इस तरह से राम एक बार और हुए विजयी। तो बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। क्या हुआ बहन, तुम्हारे रोने का कारण तो बताओ। राम, लक्ष्मण और सीता हैं मेरी इस हालत का कारण। उन तुच्छ मनुष्यों पर मैं अपना समय नष्ट नहीं करूँगा। जाओ राज वैद्य को अपनी नाक दिखाओ। क्या आप जानते हो कि सीता इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, और ऐसी स्त्री तो केवल लंका में ही शोभा देती है। ऐसी है बात तो उचित है कारण। मैं चला करने सीता का अपहरण। लड्डू का शौकी।